हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यू ऑल इन माय ऑनलाइन वीडियो क्लास। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम इनपुट डिवाइसेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कैनर, वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैनर, MICR, OCR, OMR, OBR. Let's start. Input device scanner. A scanner is an input device similar to a photocopier. Bile scanner gote input device jota ki gote photocopier means tama xerox machine dekhitibo, xerox machine bhariya. It is used when some information is available on a paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. ते मन देखि बुझे केते बेले हमें स्कैनर यूज करिबा। When some information is available on paper means paper रे किछि लेखा गोटे पेज पाइलो किबा कार गोटे फोटोग्राफ पाइलो तुम चाहुछ ताकु तुम कंप्यूटर रो हार्ड डिस्क रे स्टोर करके रखिबो एवं फर्दर मैनिपुलेसन जहाँ तुम अन्य को सॉफ्टवेयर ताको यूज करिवो ताले से जगह आमर स्कैनर दरकार पड़ो है। जेनेली फोटो हो, टेक्स्ट हो, जहाँ भी हो आम स्कैनिंग करके आम कंप्यूटर को नवा स्कैनर द्वारा। स्कैनर्स कैप्चर इमेजेस फ्रॉम द सोर्स व्हिच आर देन कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिस्क। ताले मन देख देखी स्कैनर कौन करुची से प्रथम इमेज जोटा को आम जो इमेजा मन नाक चाहे कैप्चर करनौची देन ताको भांगी दौर कन्वर्ट करदे डिजिटल फॉर्म रे तुम जान 01 फॉर्म रे भांगी दबा। डिजिटल फॉर्म रे जदि से न भांगुची ताले कंप्यूटर रे से स्टोर हो पारना तेरी से डिजिटल फॉर्म रे कन्वर्ट करदे एवं कंप्यूटर रे डिस्क रे से जाकि स्टोर हो जाऊँगी। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। ओके, ताले से जितेबले इमेजटा स्कानिंग हो जाऊँगी सीपीयू को चली गला है तुम्हें चाहिए एडिटिंग कर ब्राइटनेस बढ़े पार कंट्रास्ट बढ़े पार विभिन्न फॉर्मेट्रे स्टोर करें से प्रिंट करवा पूर्व आम विभिन्न प्रकार एडिटिंग कर। स्कैनर्स कम इन वैरायटी ऑफ साइजेस, विभिन्न साइज रो स्कैनर मिलुची बुझेला। स्कैनर्स कम इन वैरायटी ऑफ साइजेस सच एज हैंड हेल्ड स्कैनर्स, फ्लैट बेड स्कैनर्स, ड्रम स्कैनर्स, स्लाइड स्कैनर्स, एबाला चारि प्रकार स्कैनर मिलुची। ताले प्रथम देखिबा हैंड हेल्ड स्कैनर हला त नारु आमे कोन जानुचे हैंड हेल्ड स्कैनर माने हाथ रे धरिकी स्कैन करिबा एटा होची सबटु छोटो स्कैनर हला ताको हाथ रे धरिकी स्कैन करंती फोटोग्राफर को स्कैनिंग करंती तेंको ता ना हेची हैंड हेल्ड स्कैनर। दीज आर वेरी स्मॉल व्हिच कैन बी हेल्ड इन ए हैंड ताको हाथ रे धरा जाए। इट इज मूव्ड बाय द एंड यूजर आक्रस द पेज टू बी स्कैन। जो पेजटा तुम स्कैन करने को चाहूँ से पेजटा एंड यूजर माने तुम्हें निजे यूजर यूजर कौन करे से पेजटा को हाथ में एमते स्कानिंगटा को आक्रस द पेज ये तुमको चलेवाक पड़ो चलिए से टोटाल पेजटा को स्कानिंग करदेव। ओके, देखा सेकेंड टाइप अफ स्कानर दैट इज फ्लाट वेड स्कानर जोटा लार्ज इन साइज भेरी कॉस्टली तो मन देखि शुण फ्लाट बेड स्कैनर ये फ्लाट बेड कौन है तार गोटे बेड भाया रही जो थे कि जेरक्स मेसीन तुम देखी तुम डकुमेंटा से नहीं रखिदे है कभरटा पकईदे ये भी ठीक से भाया फ्लाट बेड से आम डकुमेंट जो स्कैन हम ताको रखिदा रखिदे से पूरा टॉप टू बॉटम ताको स्कैनिंग कर। ओके, देखा फ्लाट बेड स्कैनर दीज आर larger and more expensive scanners but
they definitely create higher quality images. Okay? Jehetu expensive or large in size, ethere amo kon hobo? Higher quality image ame pai pariba. Bujhela? Quality juta scanning hobo, se scanned object ro quality ta bahutu high asibo. Means high resolution re seta display hobo. Clearer, sharper dekhajibo picture ta. These scanners have a flat surface on which the printed image to be scanned is placed. हैला तार ये गोटे फ्लाट सरफेस थाए से तुम जो अब्जेक्ट टाक स्कैन करा चाहो फटो हो डॉक्यूमेंट हो ताको तुम्हें से जगह प्लेस कर रख इट कंटेन्स ए स्कैनर हेड दैट मूव्स अक्रॉस ए पेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू रीड द पेज एंड कन्वर्ट्स द इमेज और टेक्स्ट ऑफ द पेज इनटू डिजिटल फॉर्म ताले इटे कौन हो देख ताले से स्कैनर गोटे हेड थाए से हेडटा कौन हम है दैट मूव्स अक्रॉस द पेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम से पेज रो टॉप रू बॉटम जाए सेमते चली जीव मीन से स्कैनिंग करी नबो तापर स्कैनिंग कर सला पर कैप्चर कर नेला कैप्चर कर नेला पर ताकु से डिजिटल फॉर्म रे कन्वर्ट कर दबो डिजिटल फॉर्म रे कन्वर्ट हो गेले से ऑटोमेटिक कंप्यूटर रे स्टोर हो जीव देन देखिबा थर्ड टाइप स्कैनर दैट इज ड्रम स्कैनर ताले इथिरे फ्लैट बेड न थाए कि हैंड हेल्ड न थाए ड्रम गोटे ड्रम रोटेट करू थाए ड्रम भितर आमर स्कैनर रो हेडटा रही थाए इथिरे कौन हुए आमर जो इमेज जो पेस्ट आम दौचे स्कानिंग करा से ऑटोमेटिकली इथिरे गुड़ई हो जाए गुड़े हो स्कैनिंग हो जाए तेनाली देखा ड्रम स्कैनर्स दिज आर मीडियम साइज स्कैनर्स विथ ए रोलिंग ड्रम है तार गोटे ड्रमटे रोलींग करूर द सीट इज फेड थ्रू द स्कैनर जो सीटा स्कानिंग करा चाहूँ सेटा स्कानर आम फेड करदेबा है सो दैट द ड्रम रोल्स ओवर द एंटायर सीट जितने से फेड करदे आम नहीं कि से डॉक्यूमेंटा ड्रमटा कौन कर ड्रम्रे से गुड़े ही जो बुझेगा हाँ गुड़े हो गला एंटायर सीट से ड्रम जो रोटेट करटोमेटिक से स्कान स्कान से कन्वर्ट हो डिजिटल फॉर्म्रे तमर कंप्यूटर में जाकर स्टोर ये थिला ड्रम स्कैनर देन नंबर फोर स्लाइड स्कैनर्स है सी एम गोटे स्लाइडर भाया थी से भाया चलो चलिए कौन हम स्लाइडर उपर चलने मैंने से ऑटोमेटिक स्कैन कर नब जेनरली फोटोग्राफ भर स्कैन कराए ओके स्लाइड स्कैनर्स दिज टाइप अफ स्कैनर्स आर यूज टू स्कैन फोटोग्राफ्स डायरेक्टली टू प्रड्यूस फाइल्स अंडरस्टाणेबुल बै कंप्यूटर है फटोग्राफ को स्कान कराए जोटा कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टाण कर अर्थ ताक स्कान करजिटाल फर्म्रे भांगी दिए है सब जहाँ भी आम कंप्यूटर भितर को आम नाक चाहूँ ताक आग प्रथम कौन करवा स्कानिंग करदे स्कानिंग कले डिजिटल फर्म्रे ट्रांसफर करदेव करदे आम इच्छा जो फर्माट्रे आम चाहिए से फर्माट्रे कंप्यूटर में स्टोर करदे चाहिए एडिटिंग करके ताले ये थिला वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैनर्स एबे देखिबा एडवांटेजेस ऑफ स्कैनर ताले कौन एडवांटेज रही एडवांटेज नंबर वन फ्लैट बेड स्कैनर्स आर वेरी हाई वेरी एक्यूरेट एंड कैन प्रोड्यूस इमेजेस विथ हायर रिजोल्यूशन देन ए डिजिटल कैमेरा है बहुत पूरा एक्यूरेट पिक्चर सी फ्लैट बेड स्कैनर एक्यूरेट पिक्चर नब एवं हायर रिजोल्यूशन रे ताको स्टोर करिवो हायर रिजोल्यूशन रे स्टोर कले से कौन हम जेनराली तुम डिजिटल कैमेरा ठू अधिक रिजोल्यूशन रे से ताको डाटाटा को स्टोर करे ओके तेंगर तुम देखी थो जो बुढ़ा बुढ़ी मरी जाइथांती तांगर पुरुणा फोटो थाए आम स्कैनिंग करके बड़ करके एनलार्ज करके कि गोटे ग्रुप फोटो रु गोटे सिंगल फोटो काढ़ ग्रुप रे चार पाँच जन ठिया जन फोटो को काढ़ स्कैनिंग करके एनलार्ज सेटा हायर रिजोल्यूशन न होले फोटोटा फाटी जीव बड़ कला माने हाई रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन भी जुड़े रिजोल्यूशन हूँ तार विड्थ आउ लेंथ रे जो डॉट्स सब रही मॉनिटर ते तुम पढ़ा हे मॉनिटर सेक्शन है पढ़ा हे से किसी डॉट्स रही थाए जहाँ कहते पिक्सेल्स पिक्सेल्स और पिक्चर एलिमेंट्स है हायर द पिक्सेल्स हायर द रिजोल्यूशन बुझेगा जिते पिक्सेल अर्थ डॉट गुड़ा अधिक र से सार्पर हो तुम पिक्चरटा से क्लीअर आसो क्योंकि फ्लैट पेड
ସ୍କାନରରେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଫଟୋଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କାନିଂ କରୁଛେ ସେ ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜେସ୍, ଏନି ଇମେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପେପର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଟର୍ ଏନ୍ହାନ୍ସଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଅଦର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ମନ ଦେଇକି ବୁଝ, ଏନି ଇମେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପେପର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ପେପର୍ରେ ଯାହା ବି ଇମେଜ୍ ଥାଉ, ଟେକ୍ସଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, କନ୍ଭର୍ଟ କରିପାରିବା ଥ୍ରୁ ସ୍କାନର୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଟର୍ ଏନ୍ହାନ୍ସଡ୍। ତାପରେ ତାକୁ ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିପାରିବା, ମିନ୍ସ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବା, ହେଲା, ତାକୁ ସାର୍ପର୍ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓଭର୍ ସାଇଜ୍ର ବି କରିପାରିବା, ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା, ତା କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଅଦର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତୁମେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଥିଲା, ଜେନେରାଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ, ସେଥିରେ ତୁମ ଫଟୋଟା ଯାଇକି ଲାଗୁଥିଲା, ତୁମ ଫଟୋଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ସ୍କାନିଂ କରିଦେଉଥିଲୁ, ବା ଯେକୌଣସି ଅପରେଟର୍ ପାଖରେ ତୁମେ ପକାଉଥିଲ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିଦେଉଥିଲା। ସ୍କାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ତୁମ ସେ ଫର୍ମରେ DHE ଓଡ଼ିଶା ବା ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସାଇଟ୍ରେ ସେ ଫର୍ମରେ ନେଇକି ରଖିଦେଉଥିଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଦର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍କାନର୍। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତା'ର କ'ଣ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜେସ୍ ରହିଛି, ଇମେଜେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍, ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଫଟୋଟାକୁ ଆମେ ସ୍କାନ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଭିତରକୁ ନେଉଛେ ସେ ଅଧିକ ମେମୋରି ତୁମର ନେବ, ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍ ଅଧିକ ସେ ନେବ। ସେକେଣ୍ଡ, ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି ଅପନ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ଟା ମନେ ଦେଇକି ବୁଝ, ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଇମେଜ୍, ତୁମେ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ କଲ ସ୍କାନିଂ କଲା ପରେ ସେ ଇମେଜ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତୁମ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ତୁମ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଯେତେ ଭଲ ରହିବ ସେ ପିକ୍ଚର୍ଟା ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଯଦି ଓରିଜିନାଲ୍ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର କରିବ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବା, ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ପିକ୍ଚର୍ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ସ୍କାନର୍। ନାଓ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ MICR। MICR ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ରେକଗ୍ନାଇସନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ରେକଗ୍ନାଇସନ୍। ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଏ ତ ଏହା ନାଁ ବି ଆମେ ଶୁଣିନଥିବା, ଏଇଭଳିଆ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତା ନାଁରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍, ଯେଉଁଠିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ହେଲା, ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଲେଖାହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଯିଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍, ସିଏ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ରେକଗ୍ନାଇସନ୍। ତାହେଲେ ଏ କହିଦେଉଛି ଆଗ, ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେବଳ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ମନି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ଚେକ୍ ଲାଗେ, ସେ ଚେକ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲାବେଳେ ଚେକ୍ର ତଳକୁ ଦେଖିବ, ଦେଖିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ରେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି ଚେକ୍ ତା ସିରିଆଲ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚେକ୍ର ନମ୍ବର, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏନ୍କୋଡ଼ିଂ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ରିଡ଼୍ କରେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍, ସିଏ ହେଲା MICR। ଓକେ, ଦେଖିବା MICR। MICR ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚେକ୍ସ ଟୁ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡେ, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ଚେକ୍ ଲାଗୁଛି, ସେ ଚେକ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ, ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର ହେବ, କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ସେ କ୍ୟାସ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ, ମିନ୍ସ ମନେକର ମୁଁ 5,000 ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପକାଇଲି, ତାହେଲେ ଚେକ୍ ଯିବ ଆଗ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲିୟର, ସେଇଟା ଓରିଜିନାଲ୍ ଚେକ୍ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚେକ୍, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି, ସବୁ ଏଇ MICR ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା, କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5,000 ବଢ଼ିବ, ମିନ୍ସ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ୟାସ୍ରେ ସେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଓକେ, ଦ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ କୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ନମ୍ବର ଆର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଚେକ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଙ୍କ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ମେସିନ୍ ରିଡେବୁଲ୍। ତାହେଲେ ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଏଥିରେ ସେହି ଚେକ୍ର ଥରେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଥାଏ କହୁଥିଲି, ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କର କୋଡ଼୍ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି ଚେକ୍ ତା କୋଡ଼୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚେକ୍ର ନମ୍ବର, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଙ୍କ୍
स्पेशियल इंक रे प्रिंट होता है हला जो थरे कि मैग्नेटिक मटेरियल रही थाए हला ए मैग्नेटिक वांस मैग्नेटाइज्ड हो गला पोरे ताको आम मशीन मीन सेमाइसिया ताको रीड कर परिबो एमाइसिया रीड्स दीज कैरेक्टर्स इनटू द कंप्यूटर हला तले एमाइसिया कोन कला ताको रीड कर दला कंप्यूटर को सेंड कर दला से कैरेक्टर तो एडवांटेजेस ऑफ एमआईसीआर आर तले यार कौन पे हमें यूज करिया तो कौन एडवांटेजेस रही है एमआईसीआर आर इट मिनिमाइजेस चांसेस ऑफ एरर्स एरर रो चांस को कमी दिए क्लियरिंग ऑफ चेक्स बिकम्स इजी चेक क्लियर को फटाफट फटाफट चेक क्लियर हो जीवो चेक क्लियरटा बहुत इजी हो रही गलानी एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिकम्स फास्टर एवं क्विकली फंडटा गोटे आकाउंटर आ गोटे आकाउंट को ट्रांसफर हो पार एमआईसीआर जो जापार जेनेली एमआईसीआर टा बैंक रे यूज करा जाए हला चेक को प्रोसेसिंग करिबा पई ओके। एबे आमे डिस्कशन करिबा आउ गोटे इनपुट डिवाइस जहाँ ना हला ओसीआर ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर देखिबा ओसीआर ओसीआर इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड ए प्रिंटेड टेक्स्ट है ना ताले जहाँ गोटे प्रिंट करिकी टेक्स्ट गोटे पेपर उपर रही ताकू रीड करी पारे ए डिवाइस है ना ओसीआर एबे हैंड रिटन हाथ लेखा को भी रीड करी पारुची ओसीआर ओके ओसीआर स्कैन्स टेक्स्ट ऑप्टिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ठीक है ये पॉइंटा मन देखिए बुझे ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से ऑप्टिकली कैरेक्टर को रीड करती लाइट ऑप्टिकली मीन्स लाइट मेकानिज्म सो ओसीआर स्कैन्स टेक्स्ट जो टेक्स्ट लिखा जाए स्कैनिंग करे ऑप्टिकली थ्रू लाइट से स्कैन करे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर थर के गोटे कैरेक्टर तर गोटे कैरेक्टर ताले यार बेनिफिट कौन आसो से टोटल टेक्स्ट कौन करुचे आम जब स्कैन करदे स्कानर ताले से कन्वर्ट हो पिक्चर फॉर्मेट रे किंतु एथेरे कौन हम से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन कर जोटा जा कंप्यूटर में स्टोर हो पार तो डाटा एंट्री से पेजटा आउ थोड़े आमको एंट्री करने को पड़ता था यहाँ क्विकली आम कंप्यूटर को ट्रांसफर हो पार ओके इट कन्वर्ट्स देम इनटू ए मशीन रीडेबल कोड तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर से रीड कला कन्वर्ट करे कौथे मशीन रीडेबल कोड मीन्स 01 फॉर्म तुमको कहुच एंड स्टोर्स द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी एवं तुम कंप्यूटर मेमोरी रे से डाटा को लेकिन कौन करे स्टोर कर दिए है ना हिसाब कर गोटे पेज मु प्रिंट आउट बाहर कर देती नहीं कि तुमको देली कहे सारे यहाँ एंट्री हम एतक एंट्री किए कर ओसीआर में पूरेदे से कौन कला स्कानिंग करदे क्यारेक्टर बै क्यारेक्टर ताको कन्वर्ट करदे डिजिटल फर्म डायरेक्ट से चलीगला कंप्यूटर भितर स्टोर होगा ओके ओसीआर आलाउज यूजर टू क्विकली ऑटोमेट डाटा कैप्चर फ्रॉम फॉर्म्स हला फॉर्म रु डाटा को क्विकली से कैप्चर करी नौ हला एलिमिनेट्स की स्ट्रोक्स टू रिड्यूस डाटा एंट्री कॉस्ट अच्छा जी डाटा जदि हेतक एंट्री कराई था तार से किसी पैसा नहीं था किसी कॉस्ट नहीं था किंतु एथेरे कौन हला स्कैन हो गला से डाटाटा डायरेक्ट चली गला ताले एलिमिनेट कॉस्ट कॉस्ट को बचे देव हला अधिक खर्च तुमको करवाक पड़ो ना एंड स्टिल मेंटेन द हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी हला एवं इट मेंटेन्स हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी से टोटल एक्यूरेट डाटा ही गला कारण एंट्री कला बेले फिंगर भूल चली गले भी भूल हो जाए मानुआली जब आम एंट्री करवा कि मेसीन में स्कैन करने टोटाल से जहाँ आमको डॉक्यूमेंट देता सेम डॉक्यूमेंट ही जाए कंप्यूटर में स्टोर हो गला तेरी इट मेंटेन्स हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी ये थिला ओसीआर ओके। ओएमआर ओएमआर समस्त तुम जान परीक्षा हुए ओएमआर सीट है ना अवश्य तुम ब्याच रे ओएमआर उठी जाता तुम पूर्व ब्याच हरिका ओएमआर रे कौन हुए गोटे सीट तुमको दे दिया जाए गोटे क्वेश्चन दे दिया जाए क्वेश्चन पढ़ के तुम एक नंबर आंसर राउंड अप कर दौल ए बी सी डी किसी ऑप्शंस रही था जोटा अप्रोप्रिएट ऑप्शन तुम्हें तापर कौन कर डार्केनिंग करूल आईदर बॉल पॉइंट पेन और पेनसिल से ओएमआर सीटा जो मेसीन जा रीड करे जो मेसीन सी है ओएमआर
OMR full formula, optical mark recognition or you may say optical mark reader. दीटा को ठीक तुम्हें जहाँ कही पार ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन और ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय बॉल पॉइंट पेन और पेंसिल है फर्स्ट पॉइंट देखा OMR हूँ गोटे स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर लाइट द्वारा स्कैनिंग करे इट इज यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय बॉल पॉइंट पेन और पेंसिल ताले से चिन्ह पार क्या चिन्ह पार आम जो मार्क बुले राउंड और ओवाल बुले आइदर बॉल पॉइंट पेन रे डॉट पेन रे और पेंसिल है आम जो मार्क करुचे राउंड अफ करुचे जो आंसर टाक जो ऑप्शन टाक से रिकॉग्नाइज करिपारे इट इज यूज व्हेयर वन आउट ऑफ ए फ्यू अल्टरनेटिव्स इज टू बी सिलेक्टेड एंड इन व्हिच लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स नीड टू बी प्रोसेस्ड क्विकली तर ये टी मन देखिए देख इट इज यूज व्हेयर वन आउट ऑफ ए फ्यू अल्टरनेटिव्स इज टू बी सिलेक्टेड इटा कौ जगार मानक यूज करा जीवो जो जगार गोटे ऑप्शन तुमको चूज करवाक पड़ो कौर फ्यू अल्टरनेटिव्स किसी अल्टरनेटिव रही थी तीन चारिटा पांचटा ऑप्शन थी से तुमको गोटे ऑप्शन चूज करने को पड़ो जो जगार ये भाया एग्जाम हो जगार यूज करा जाए आउ कौन एंड व्हेयर ए लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स नीड टू बी प्रोसेस्ड क्विकली एंड विथ ग्रेटर आक्यूरासी जो जगह मानक बहुत संख्यक भाया फॉर्म को ग्रेटर आक्यूरासी पूरा आक्यूरेट भाव में कौन कर वैल्यूएशन करने को थी से जगह मानक आम OMR यूज करुचे फास्ट है गोटे ऑप्शन चूज हो गोटे अल्टरनेटिव रु या बहुत गुड़े फॉर्म हजार हजार लक्ष लक्ष फॉर्म को क्विकली आमको वैल्यूएशन करने को पड़ू ग्रेटर आक्यूरासी वैल्यूएशन करने को पड़ू ताले से जगह OMR मशीन लगी था इट इज स्पेशली यूजेस फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो जगार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है परीक्षा एग्जाम होता है से जगह मानकर आंसर स्क्रिप्ट को वैल्यूएशन करा जाए OMR रे सो एन OMR इज ए डिवाइस दैट स्कैन्स द डॉक्यूमेंट है आम जो परीक्षा खाता रहा OMR से सी स्कैन करदेव एंड रीड्स द डाटा डाटा को रीड करनब फ्रम द मार्क्ड फिल्ड्स जो मार्किंग कर जो फिल्ड गुड़ा से डाटा को कौन कर रीड करके नब ओके ये थिला OMR। एबे डिस्कशन करिबा बारकोड रीडर और ऑप्टिकल बारकोड रीडर OBR हला ए बारकोड रीडर ताले तुम्हें समस्ते जानिथिबो एबे प्राय आइटम रे बारकोड लागुची तुम्हें जो नुआ बही किणुच फिजिक्स केमिस्ट्री ता पछकड़ साइड को देखिबो लास्ट पेज रे देखो गोटे बारकोड किछ बार थाए ए भलिया बार वर्टिकल बार विभिन्न विड्थ रो सब थाए ता कोंती बारकोड किंबा तुम्हें जदि शॉपिंग मॉल को जाऊ कि शॉपिंग करवाई से जहाँ भी प्रोडक्ट तुम शॉपिंग करुच से सब बारकोड थाए सीरियल नंबर ताको दिया जाए थे बारकोड और बड़ बड़ लाइब्रेरी को जाओ से बही गुड़ाक सब बारकोडिंग कराई थाए है ये बारकोड ए बहुत परिमाण यूज कराऊे ये बारकोड को रीड जी कै जो डिवाइस सी है बारकोड रीडर है गोटे हैंड हेल्ड स्कैनर भाया तुम देखी जितेबले बिलिंग हुए तुम जहाँ परचेज कर बिलिंग हुए से कौन कर प्रेस कर दिए बारकोड ऊपर गोटे लाइट कि साउंड होगी आसे से लाइटा स्कैन करनी है से बारकोड को स्कैन करने से कंप्यूटर जाणि जाए ऑटोमेटिक एटा को प्रोडक्ट किणाला कॉस्ट केते ताल देखिबा OBR बारकोड रीडर डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोडेड डाटा ताले ए बारकोड रीडर से बारकोडेड डाटा को रीड करे ताले बारकोड कौन देखिबा देखो ए बारकोड इज ए पैटर्न ऑफ प्रिंटेड बार्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विभिन्न प्रोडक्ट उपरे ए भलिया गुड़े
वर्टिकल बार सब प्रिंट होता है जहाँ को आम कहे बारकोड। बारकोड डाटा इज जेनेली यूज इन लेबलिंग गुड्स गुड्स जेकोसी गुड्स को लेबल करने ना देवाई है बारकोड डाटा यूज कराए। आउ कौन पर नंबरिंग ऑफ बुक्स बही गुड़ाक सब नंबरिंग करने एक्सेट्रा। ओके इट लुक्स लाइक ए हैंड हेल्ड स्कानर देखा हैंड हेल्ड स्कानर भाया बारकोड बारकोड रीडर स्कैन्स ए बारकोड इमेज है बारकोड रीडर कौन कर प्रेस करदे लाइटा बारकोड इमेज पर पड़ू सी कौन कर रीड करुला कन्वर्ट्स इट इनटू आन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू सेटा को सी कौन करे सांगे गोटे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू नंबर आउ अल्फाबेटर वैल्यू रे ट्रांसफर करदेव ह्विच इज देन फेड टू द कंप्यूटर जोटा कि कंप्यूटर को चली जाव है तार डाटाबेस भितर अच्छी यही बार कोड यही आइटम एति कस्ट जो सी इजिली कंप्यूटर आईडेटिफाई करनब से कस्टमर कौन कौन परचेज कर बार कोड बारकोड्रु है ये थिला बार कोड रीडर।